जी बताइए, इस वक्त चंदनवाड़ी में है, बर्फबारी हो रही है, क्या एक्सपेक्ट किया था कि बर्फबारी मिलेगी? और गाइस, वी आर एक्सपीरियंसिंग द लाइव स्नोफॉल इन द चंदनवाड़ी एरिया एंड दिस इज एन अल्टीमेट वन टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। ये तो कुछ नहीं, अभी गुलगुल में क्या होगा। एंड कौन कहता है कश्मीर जन्नत से कम है, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हियर। जन्नत से तो कम नहीं लग रहा है हमको, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी एंजॉय करा रहे हैं हमको। थैंक यू फॉर स्नोफॉल का एक्सपेक्ट नहीं किया था फर्स्ट डे। आप कहाँ से और बताइए कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि स्नोफॉल देखने को मिलेगा इस टाइम पे? बिल्कुल नहीं, मैं कर्नाटक से हूँ, हुबली कर्नाटक। हम लोग फर्स्ट टाइम आए और एक्सपेक्ट नहीं किया था सेकंड डे ही हमको स्नोफॉल मिलेगा। इट वॉज अमेजिंग, ऊपर आए नहीं और इतना अच्छा मौसम, और जो हमारे बहुत ठंड लग रही है, मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैसेज रहेगी जो कर्नाटक से हमें लोग, गाइस जब भी आओ जरूर आओ, जहाँ भी आओ। यस, इट्स वेरी नाइस, हम बिल्कुल दिल खुश हो गया हमारा जैसे ही हम अंदर आए और स्नोफॉल देखे, बहुत मजा आ गया। थैंक यू गाइस। सजेशन फ्रॉम योर साइड टू द पीपल ऑफ कश्मीर, भूल जाओ स्विट्जरलैंड, कश्मीर इज अ रियल प्लेस। इंडिया का ताज है तो इंडिया का ताज यही है, सही में। सारे इंडियंस आओ और रियल स्नोफॉल का फील करो। आई एम सो लकी, मुझे ये फर्स्ट डे स्नोफॉल मिल गया, बहुत मजा आया। Had you ever witnessed snowfall in your life? This is the first time. This is the first time. It's very nice. In fact, my kids are also enjoying. But करते ही कश्मीर आए थे और पहले दिन ही हमको snowfall मिल गया। We are very lucky. कश्मीर कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। Snow और ये वादियाँ बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। यार सब आओ कश्मीर, बहुत मस्त है। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ कुछ टूरिस्ट कर्नाटका से। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा रश है टूरिस्ट बहुत घूमने के लिए कश्मीर आ रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि ये अमरनाथ यात्री, जहां पर चेकिंग पॉइंट जो अमरनाथ यात्री का होता है, यहां से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो आप देखिए कितनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और टूरिस्ट काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें ताकि ये मैसेज ओवरऑल इंडिया के लोगों के पास पहुँचे कि इस वक्त कश्मीर में आपको स्नो देखने को मिल सकती है। इसी तरह से अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे या सोनमर्ग की बात करेंगे, तो दोनों जगहों पे स्नो विटनेस की गई है। और आप खुद देख सकते हैं इस वक्त हम पहलगाम चंदनवाड़ी में हैं, बर्फबारी हो रही है और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। बर्फबारी ऑलमोस्ट पिछले एक घंटे से शुरू हुई है और ऑलमोस्ट एक इंच से डेढ़ इंच स्नो एक्यूमुलेट हो चुकी है अभी तक प्लेन्स में। तो बर्फबारी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी रिक्वेस्ट सभी से रहेगी कि इस लाइव अपडेट को आप शेयर करें ताकि जो भी टूरिस्ट हमें देखेंगे उनको ये एक्सपीरियंस मिल जाए कि कश्मीर इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन होल इंडिया। और जो भी टूरिज्म बिजनेस के साथ एफिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि टूरिस्ट्स का आप खास ख्याल रखें, टूरिस्ट्स के साथ आप कभी भी मिसबिहेव ना करें, किसी भी तरह से आप टूरिस्ट्स को नाराज ना करें, क्योंकि टूरिस्ट्स ही कश्मीर के लिए हम कह सकते हैं कि मेन लाइवलीहुड का जरिया बनते हैं। अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, लेकिन हर जगह का जरिया बनता है कोई ना कोई। तो इसी तरह से आपको टूरिज्म बिजनेस के लिए दिन ब दिन आपको टूरिज्म बिजनेस प्रमोट करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम टूरिस्ट्स को खुश करें और वो ताकि दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करें ये जगह, दूसरे लोगों को वो रिकमेंड करें कि कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हर कोई जगह, देखिए हर जगह कश्मीर का हिस्सा है, तो इसलिए हमें हर जगह को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि पहलगाम में कोई रहता है तो उनको ये चाहिए कि वो पहलगाम ही अच्छी है, कोई गुलमर्ग में रहता है वो उस कहे कि टूरिस्ट को गुलमर्ग ही सिर्फ अच्छी है। हर किसी को हर जगह प्रमोट करनी चाहिए, अगर हम प्रमोट करेंगे तो हमारा कश्मीर ही प्रमोट हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इस समय में आ रहे हैं,
अगर हम पिछले साल की भी बात करेंगे तो रिकॉर्ड ब्रेक टूरिस्ट इस साल में हमें देखने को मिले, और उसी तरह से इस साल भी टूरिस्ट का जो रश है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम ओडिशा की बात करेंगे, कर्नाटका की बात करेंगे, मुंबई की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ रहा है, और उनको जो टूरिस्ट वहाँ के हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो अब कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो इस वक्त टेम्परेचर है वो बहुत मॉडरेट है और जगह जगह पर बारिशें हो रही हैं, स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, तो उसी के कारण फिर टूरिस्ट भी इस जगह का रुख कर रहे हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, इस लाइव अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी टूरिस्ट हमें लाइव देख रहे होंगे वो कश्मीर आने के लिए अपना मन बनाएं।